सो हैलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम हैुड बी टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन का जो कोर्स है विच इज अ पी आर कोर्स उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी गाइज ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत डिमांड में चल रहा है बिकॉज जो ऑक्यूपेशन है अर्ली चाइल्ड हुड टीचर की जो ऑक्युपेशन है इट इज इन हाई डिमांड और पी आर इसमें ऐसे है तो गाइज दो सेक्टर हैं जो बहुत डिमांड में है पी आर में फर्स्ट वन इज हेल्थ सेक्टर वो आप सबको पता ही है कि नर्सिंग की कितनी डिमांड है नर्सिस की कितनी डिमांड है और पी आर बहुत ईजी है इफ यू आर अ नर्स एंड देन सेकेंड थिंग इज दिस टीचिंग अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेटर्स इनकी भी बहुत बहुत ज्यादा डिमांड है और जो पी आर है वो बहुत बहुत ईजी पी आर है इफ यू आर अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेटर सो गाइज नर्सिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है नो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई गेस इस uh, इस कोर्स के ऊपर मतलब स्पेसिफिकली इस कोर्स के ऊपर किसी ने ऐसे पर्टिकुलरली वीडियो नहीं बनाई हुई और आई गेस थोड़ी सी अवेयरनेस मतलब ज़रूरी है इस कोर्स uh, के बारे में बिकॉज ये मुझे बहुत बढ़िया पी पाथवे लगा इफ़ आई कंपेयर इट टू नर्सिंग गाइज देखो नॉट एवरीबडी कैन बी नर्स ठीक है इट

तो वैसा माइंड होना बहुत जरूरी है टू बी अ नर्स ठीक है तो वही मैं कहूंगी कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू बी अ नर्स इफ यू डोंट लाइक दैट प्रोफेशन ठीक है अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है सो so, अगर आप मुझसे पूछो कि भाई मुझे सजेस्ट करो कि नर्सिंग करना चाहिए या टीचर टीचिंग करना चाहिए और मुझे नर्सिंग में मतलब मुझे उतनी नॉलेज नहीं है मुझे पता नहीं है कि नर्सिंग में होता क्या क्या ये सब सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू टू चूज टीचिंग ओवर नर्सिंग आप समझ रहे हो

और माता रानी आप सबको खुश रखे और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक अर्ली एजुकेशन ये एक कोर्स है जो आपको जाएगा एक ऑक्यूपेशन तक विच इज अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेटर या फिर अर्ली चाइल्डहुड टीचर नाउ देर आर थ्री टू फोर वेज की आप ये कोर्स कर सकते हो एंड देन आपकी स्किल असेसमेंट होगी ठीक है पहली चीज है कि आपने इंडिया से ट्वेल्थ कर लिया है ठीक है आपको यहाँ पे आना है ठीक है आपने लिया बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग में एडमिशन जो कि चार साल का एक कोर्स होता है ठीक है तो आपने दिया तो डायरेक्टली बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग में ले लिया एंड उसके बाद आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवा ली दिस इज द फर्स्ट एंड द क्या बोलते हैं उसको मतलब सबसे ईजीएस्ट इजीएस्ट नहीं सबसे कॉमन सी चीज थी ये तो सबको पता ही होगा वैसा उसके बाद अगर आप बैचलर्स कर चुके हो इंडिया में कोई भी भी मान लो आपने किसी में नॉन मेडिकल कर रखी है मान लो ठीक है आप यहाँ पे आना चाह रहे हो ठीक है तो आपने मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एडमिशन ले लिया दैट्स ऑल्सो लाइक ईजी कि हाँ भाई अगर ट्वेल्थ थे तो बैचलर्स में ले लिया अगर बैचलर्स कर रखी थी तो मास्टर्स में ले लिया ये तो दो हो गए एक

ठीक है वो एक साल का होता है तो वो भी हो गया आपके चार साल तीन साल की आपकी बैचलर्स एक साल की आपकी जो ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया. हो गया ठीक है है फोर्थ चीज क्या सकती आपने बैचलर्स कर ली इंडिया में ठीक है कोई भी बैचलर्स इट शुडेंट बी अर्ली चाइल्ड समथिंग लाइक दैट कोई भी बैचलर्स कर ली ओवरसीज आपको यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में एंटर करना है आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लो एक साल का और Uh, उसके बाद आप अपना स्किल असेसमेंट कर लो तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मैं समझाती हूँ देखो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जो स्किल असेसमेंट की जो um, जो क्राइटेरिया है ना जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपकी चार साल की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए स्किल असेसमेंट करवाने के लिए अब वो चार साल की एजुकेशन में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी अर्ली चाइल्डहुड उसमें से उन चार सालों में से एक साल जो है अगर आपका वो अर्ली चाइल्डहुड का है तो आप स्किल असेसमेंट करवा सकते हो दिस इज द क्राइटेरिया तो चार साल की एजुकेशन इज मस्ट तो जो मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया था यानी कि बैचलर्स कर लो तो बैचलर्स चार साल की होती है चार साल का आपका हो गई एजुकेशन यू कैन अप्लाई फॉर योर स्किल असेसमेंट आप स्किल असेसमेंट करवा सकते हो ओके okay. सेकंड था आपका बैचलर्स हो गया है मतलब ओवरसीज हो गया है यहाँ पे आप मास्टर्स करना चाह रहे हो तो तीन साल की आपकी बैचलर्स हो गई इंडिया वाली या जो भी ओवरसीज वाली और दो साल की मास्टर्स हो गई यहाँ पे तो ये हो गई पांच साल ठीक है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो ठीक है नाउ नेक्स्ट क्या बताया था मैंने हाँ तीन साल की बैचलर्स हो गई ओवरसीज ठीक है यहाँ आके आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया जो कि एक साल का है तो ये तीन प्लस एक हो गए चार साल तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी हो गई मीट ठीक है एक और क्या हो सकता है Um, एक और हो सकता है कि बैचलर्स भी आपने ऑस्ट्रेलिया में कर ली तीन साल की मान लो बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग अगेन जस्ट एन एग्जांपल बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग कर ली तीन साल की फिर आपने सोचा की नहीं यार मुझे तो चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड में जाना है तो आपने सोचा कि चलो मैं मास्टर्स कर लेती हूँ बैचलर्स के बाद मैं मास्टर्स कर लेती हूँ तो बैचलर, बैचलर्स बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग थी तीन साल की ऑलरेडी दो साल की आपने मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर ली तो ये हो गए तीन प्लस दो पांच साल ठीक ठीक है, Which is, again, you are meeting the eligibility criteria, है? अब आप कहोगे कि कि यार अगर मैं आपने मुझे बताया बी एस सी नॉन मेडिकल किया है कि .E. और अगर मुझे अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे आना है और आप कह रहे हो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके आ जाओ तो दैट वुडेंट बी अगेन मैं भी यही कहूंगी क्योंकि डिप्लोमा में थोड़े वीजा चांसेस कम होते हैं वो भी एक साल का है क्योंकि ये तो आई वुडेंट रिकमेंड यू टू कि मतलब अपने कंट्री से ही ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके आओ ठीक है मैं नहीं रिकमेंड करूंगी अगर कोई भी ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स मिल रहा है जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो ये चीज ऑफर करती है कि एक साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा प्लस एक साल की मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आप कर सकते हो तो वो आपकी मास्टर्स में ही काउंट होगी तो वो चीज आप कर सकते हो अदरवाइज आई देन चेंज इट You know, जो सब करते हैं वैसा मतलब आप आप अपना करो लगा लो और फिर, कर फिर डाउनग्रेड uh, करने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसमें आपका जो ऑफर लेटर होगा उसमें आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स इकट्ठे लिख के आएगा तो जब लीडिंग टू मास्टर्स होता है तो यू टू डाउनग्रेड योर वीजा तब आपका वो मास्टर्स वाला वीजा ही चल जाएगा और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन देती है जो कि यहाँ पे है मेलबर्न में है तो ये तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया अब एक और चीज सुनो ये ना मतलब बहुत लोगों को ये चीज ये मतलब मिथ कहूंगी या पता नहीं मतलब थोड़ी जागरूकता नहीं है इस बात की तो मैं बता देती हूँ कहीं को लगता है कि यार टीचिंग में तो जो आई का स्कोर चाहिए वो हमने सुना है कि दो में आठ होने चाहिए दो में सात होने चाहिए तो गाइज ये आपने बहुत सही सुना है लेकिन एडमिशन लेने के लिए आपको दो में आठ दो में सात नहीं चाहिए ये जो आपको डबल ठीक डबल है कि एक साल का डिप्लोमा आप कर लिया आपने, उसके बाद आपने स्किल असेसमेंट करवानी है तो उसमें जब आप अपना इंग्लिश टेस्ट दोगे उसमें डबल एट डबल सेवन आने चाहिए उसकी भी एक कंडीशन है मैं वो बताऊंगी थोड़ी सी आगे बट हाँ आपको एडमिशन के लिए तो भाई साढ़े छः अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज ऐसा ही रहता है उसमें आपको डबल डबल सेवन नहीं चाहिए तो एडमिशन के लिए आपको डबल एट डबल सेवन नहीं चाहिए दोबारा से बता रही हूँ साढ़े छः ले लो ओवरऑल सेवन ले लो आपका अर्ली, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एडमिशन हो जाएगा ठीक है अब जो ये कहते हैं ना कि हाँ भाई स्किल असेसमेंट के ड्यूरिंग आपको डबल एट यानि की आपको लिसनिंग में और स्पीकिंग में चाहिए आठ आठ बैंड और रीडिंग में और राइटिंग में चाहिए सेवन सेवन बैंड ठीक है और वो आयल्स में ही होने चाहिए आप पीटीई नहीं कर सकते बिकॉज यार ऑब्वियसली ये टीचिंग है और आप एक ऐसे कंट्री में आ रहे हो जो मतलब जहाँ पे इंग्लिश uh, uh, में ही कॉन्वर्जेशन होती है तो ऑफकोर्स ये जो लेवल है वो हाई होगा ही होगा तो यहाँ पे पीटी का कोई स्कोप नहीं है तो मैं कहूंगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अगर आप आ रहे हो और आप पी की सोच रहे हो द टफेस्ट पार्ट इज आयल्स मतलब जो आपका इंग्लिश टेस्ट होता है वो ही सबसे टफ पार्ट होता है अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ अगर आपकी एजुकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है चार साल की चाहे वो कैसे भी है चाहे मान लो आपने तीन साल की अकाउंटिंग कर ली बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग करी और फिर चौथा साल आपने वो चाइल्डहुड का करा अगर चार साल की है और वो ऑस्ट्रेलिया की है तो आपको इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती यानी कि डबल डबल सेवन की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर आपकी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन चार साल से कम की है फॉर एग्जाम्पल आप आए थे बी एस सी नॉन मेडिकल करके अपने कंट्री से यानी कि इंडिया से यहाँ पे आपने एक साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया तो वो चार साल की जो कंडीशन है वो तो कंप्लीट हो गई लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है वो सिर्फ आपकी एक साल की है तो अगर आपको वो इंग्लिश टेस्ट नहीं देना उसके लिए आपकी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन चार साल की होनी चाहिए और अगर वो नहीं है तो आपको इंग्लिश टेस्ट देना ही पड़ेगा डबल एट डबल सेवन लाना ही पड़ेगा तब ही आप एलिजिबल हो स्किल असेसमेंट करवाने के लिए सिमिलरली अब जैसे मैं कह रही हूँ ग्रेजुएट डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स वाला भी होता है तो वो भी एक साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया एक साल की मास्टर्स हो गई ठीक है तो दो साल हो गए मान लो आपने तीन साल की बैचलर्स इंडिया में करी है दो साल की मास्टर्स यहाँ पे कर रहे हो हो तो गए वो पांच साल लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन है वो सिर्फ आपकी दो साल की है समझ रहे हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट देना ही देना पड़ेगा तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन आपके चार साल की है नो मैटर वॉट वो किसी भी फील्ड में हो ऐसा नहीं कि अर्ली चाइल्डहुड में हो अर्ली चाइल्डहुड की अगर एक साल की भी है और बाकी जो एजुकेशन है वो चार साल, तीन साल की या चार साल की है अगर आप वो चार साल वाला क्राइटेरिया मीट कर रहे हो यू डोंट हैव हैव टू टू गिव आयल्स आयल्स अगर नहीं कर रहे यू राइट और डोट मैं जब ये कह रही हूँ ना सुनने में शायद आसान लग रहा हो लेकिन डबल सेवन डबल एट क्योंकि ये आयल्स ऐसा नहीं होता ना कि यार ठीक है एक में एक बार टेस्ट दिया आठ इसमें आ गए नेक्स्ट बार तीन में आठ लाने ऐसा नहीं होता ना आपको एक साथ ही एक बार में ही डबल सेवन डबल एट लाना है अगर एक में भी कम है ना मान लो सब में आठ आठ सात आ गए और एक में साढ़े छः रह गए यू आर नॉट मीटिंग द कंडीशन ठीक है तो डबल आना ही आना चाहिए आयल्स में और जब ये कंडीशन पूरी होगी जब आपका ये कोर्स होगा अभी आप अपने स्किल असेसमेंट करवा सकते हो ठीक है अब एक और चीज बताते हो गाइज और वो ये है कि ऐसे बाकी जो कोर्सेज होते हैं या बाकी मान लो ट्रेड कोर्सेज भी हो गए उसमें क्या होता है आपको ना वर्किंग आवर्स दिखाने होते हैं आपको एक्सपीरियंस दिखाना होता है स्किल असेसमेंट करवाने के लिए बट अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एक्सपीरियंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपने कोर्स कर लिया आप अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस इट्स जस्ट दैट आपकी ना 45 डेज की सुपरवाइज टीचिंग होती है जिसमें आपको इन्फेंट यानी कि बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर आठ साल तक के बच्चे को पढ़ाना होता है और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में अर्ली चाइल्ड तो मतलब, का कोर्स कर रहे हो तो वो जो 45 डेज की ट्रेनिंग है वो जो 45 डेज की सुपरवाइज टीचिंग है जो आपको कंप्लीट करनी है वो आपके कोर्स में ही इंक्लूडेड होगी तो आपको बाहर से कोई खुद मतलब खुद आपको कोई एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट वो फोर्टी फाइव डेज का सुपरवाइज टीचिंग कंप्लीट करनी है आपकी फोर इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए अगर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है इयर्स की तो आइल्स नहीं देना अगर फोर इयर्स की एजुकेशन ऑस्ट्रेलियन नहीं है तो आपको आइल्स भी देना पड़ेगा डबल सेवन डबल एट लाना पड़ेगा एंड देन आप अपने स्किल असेसमेंट करवाओ और आप जो है अपनी पीआर पा सकते हो और गाइज एक बहुत फनी चीज बताती हूँ इसमें और वो ये है कि चाहे आप बैचलर्स कर लो बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन चाहे आप ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन कर लो या आप मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन कर लो गाइस तीनों का जो रिजल्ट है ना वो सेम होता है आप समझ रहे हो यानी कि आप ये लगा के चलो चार साल की अगर बैचलर्स है जिसमें फॉर एग्जाम्पल फीस यार एंड नाइनटी थाउजेंड फॉर श्योर जाएगी मतलब मैं तो मिनिमम बता रही हूँ मेरे ख्याल से फॉर श्योर एटी थाउजेंड फीस जरूर जाएगी इसकी तो उसमें भी आपको वही मिल रहा है उसके बाद अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि एक साल का होता है जिसकी फीस लगा लो फिफ्टीन थाउजेंड होगी फिफ्टीन सिक्सटीन थाउजेंड होगी उसका भी जो फल निकल के आएगा उसका जो भी यू you नो know, जो भी उसका आउटकम निकल के आएगा वो भी सेम होगा

ये ये चीज तो ये चीज तो भी ध्यान रखना है मतलब ये सोच के बैचलर्स में मत घुस जाना यार, नहीं देना पड़ेगा ठीक है आपकी खत्म होने वाली है आपको आई का कुछ नहीं पता ऐसे होते हैं यार आई में होते हैं बट आई का कुछ नहीं पता बट पी चाहिए तो ठीक है यार तीन साल की आपकी बैचलर्स ऑफ आई हो गई ऑस्ट्रेलिया में ठीक है एक साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लो

यार मैंने सारी चीज़ कवर कर दी और मुझे लगता है अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सबको मतलब परफेक्टली बता दिया मैंने इसमें तो गाइज़ कर सकते हो आप ये चीज़ ये चीज़ आप कर सकते हो क्योंकि ना तो इसमें एक्सपीरियंस दिखाना ठीक है जो सबसे मतलब सबसे मैं कह रही हूँ जो इसके अड़चन है ना वो ये इंग्लिश टेस्ट ही है आयल्स वो भी उनके लिए जिनके चार साल की एजुकेशन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन नहीं है तो गाइज़ ये कर दिया ना तो बस

और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर